प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल टीचिंग क्लास 123 पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि UPSSC पेट PET पेट 2022 प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं, इसमें हम आप लोगों को बताएंगे देशज शब्द, तत्सम, तद्भव शब्द, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जा चुके हैं। देखिए, ये भी पूछा गया UPSSC 2014 में। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है, कौन सा शब्द एक है जो तद्भव नहीं है। तस्कर एक ऐसा शब्द है जो तद्भव नहीं है। आगे देखिए, गधा का तत्सम रूप हो जाएगा, गधा का तत्सम रूप होगा गर्धव, जो इसमें उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में आया था। अगला है प्रिय शब्द का, प्रिय का तद्भव शब्द होगा, प्रिय का पिया हो जाएगा, क्या होगा, पिया। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो नेह नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, तो पंख हो जाएगा। पक्ष का तद्भव रूप है, पक्ष का तद्भव रूप है, तो पंख हो जाएगा, पक्ष का तद्भव रूप पंख। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो हल्दी आपका तत्सम नहीं है, हल्दी आपका है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम है, विस्मय, विस्मय हो जाएगा। आगे देखिए, तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो तद्भव शब्द का चयन कीजिए, निडर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, कौन सा ऐसा शब्द है तद्भव नहीं है, तो साय आपका ऐसा शब्द है जो तद्भव नहीं है। ध्यान से देखिए आप लोग, एकल शब्द का तद्भव शब्द है, एकल शब्द का तद्भव शब्द है, तो अकेला हो जाएगा, ये आरोप आरओ में आया था 2014 में अकेला, ठीक है। अगला है कर्पट शब्द का तद्भव शब्द है, कर्पट शब्द का तद्भव शब्द है, कर्पट यानी कपड़ा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी 2014 में आया था। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है केवट, केवट। अगला देखिए, ग्रद शब्द का तद्भव रूप है, ग्रद यानी गीद, गीद आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, मक्खी शब्द का तत्सम रूप है, मक्खी यानी मच्छिका, मच्छिका आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, हल्दी शब्द का तत्सम हो जाएगा हरिद्रा, हल्दी शब्द का तत्सम हो जाएगा हरिद्रा। आगे देखिए, हुलास शब्द का तत्सम रूप है, उल्लास शब्द का तत्सम रूप है, हुलास का उल्लास, हुलास का क्या हो जाएगा, उल्लास। नारियल शब्द का तत्सम रूप है नारिकेन, नारियल शब्द का तत्सम रूप है नारिकेन, क्या हो जाएगा, नारिकेन, नारिकेल। अगला प्रश्न देखिए, सींग शब्द का तत्सम रूप है, सींग यानी सींग शब्द का तत्सम रूप है श्रृंग। दीठ का तत्सम रूप है दृष्टि, क्या हो जाएगा, दृष्टि। कौन सा शब्द तत्सम है, तो सुश्रुषा शब्द है तत्सम, सुश्रुषा। अगला, श्रृंगार शब्द का तत्सम है श्रृंगार। इनमें कौन सा शब्द तद्भव है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, भंवरा, भंवरा, क्या हो जाएगा, भंवरा। अगला देखिए, मुद्री का तत्सम रूप है, मुद्री का तत्सम रूप है मुद्रिका, मुद्रिका। चूर्ण का तत्सम शब्द है चूर्ण का, तो चूर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चूर्ण। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है, गत यानी रात नहीं है।
आगे देखिए, रिक्त तद्भव है, रिक्त तिक्त, तिक्त शब्द का तद्भव है तो तीता हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है, तीता। अगला ससुर का तत्सम शब्द है ससुर, ससुर का हो जाएगा ससुर, ससुर। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए तो आधा। अगला है तद्भव शब्द है क्लिष्ट, क्या हो जाएगा क्लिष्ट। डेट शब्द का तद्भव है दृष्ट। तत्सम शब्द का चयन कीजिए व्याघ्र। मां शब्द का तत्सम हो जाएगा मात्र। तद्भव शब्द है बी मनई, तत्सम शब्द है मनई। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तीर्थ। आगे देखिए अंगीठी का तत्सम शब्द है, अंगीठी का तत्सम शब्द है अग्निष्ठिका। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है तो सूरज है, क्या है सूरज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव तत्सम नहीं है तो आंख नहीं है, क्या नहीं है आंख। ये थे आज के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो यूपीएससी पेट तथा किसी भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो मैंने आप लोगों को करा दिया। बाकी डेली की क्लास आपको टाइमिंग से चलेगी चाहिए।